हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, अभी टॉपिक है नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या अबंडेंस आ रही है। ठीक है, आज से लेके नेक्स्ट 7 डेज़ जो आ रहे हैं आपकी लाइफ के, उसमें आपको क्या अबंडेंस मिलने के चांसेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे जाने वाले हैं आपकी लाइफ में और क्या अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है। जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचें आप देख सकते हैं। क्या बात है, जल्दी जल्दी कार्ड्स आ रहे हैं आज, पर मुझे शफल करना है अच्छे से। देखते हैं क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो आने वाले 7 दिनों में। ओके, ये कुछ कार्ड्स आए हैं। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। टेन ऑफ पेंटिकल्स। अबंडेंस तो आ रहा है आपके पास, बिकॉज पेंटिकल्स के कार्ड हैं यहाँ पर। जल्दी जल्दी कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। वाह, लवर्स एंड डेवल एक साथ ये दोनों कार्ड्स आने का मतलब है कि मेजर चेंजेस आपके लव लाइफ में होने के चांसेस हैं। ओ गॉड, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज मुझे यहाँ मिला है आप लोगों के लिए, मैं आपको बताऊंगी अभी। और देख लेते हैं इतने कार्ड्स को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं। अर्थ एनर्जी बहुत हैवी है यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स का ही कार्ड है। 7 ऑफ कप्स, मुझे लगता है आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं या कन्फ्यूजन्स हैं अपनी लाइफ में, उन्हों को लेकर आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है। सबसे पहली बात तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ, आने वाले 7 दिनों में आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि मुझे यहाँ बता रहा है कि आपको डेफिनेटली हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है। तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ये आपके चार्ट में इस टाइम बहुत ज़्यादा होगा। ये अर्थ एनर्जी आपके चार्ट में होगा राइट नाउ। इसके अलावा यहाँ पर है जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई एंड एक्वेरियस, एंड वाटर साइन भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर फायर साइन नहीं दिख रहा है, लेकिन इट्स ओके, ये रीडिंग सबके लिए है। लेकिन ये जो एनर्जी अभी दिख रही है ना यहाँ पे, अर्थ एनर्जी और इसी के साथ एयर एनर्जी, ये आपके चार्ट में इस टाइम हैवी हो सकती है। ठीक है, मैं जो यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों को, देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने वर्क एरिया में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली वेट कर रही है आपका। द फूल, यानी कि आने वाले 7 दिनों में कुछ के लिए ये न्यू बिगिनिंग के चांसेस हैं आने के। एक नए फेज़ में आप एंटर करने वाले हैं, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा इस फेज़ में आपको। इस फेज़ में हो सकता है कि आप काफ़ी फ्रीडम फील करें, अच्छा फील करें, लाइट फील करें और अपनी लाइफ को इन्जॉय करें। आपकी लव लाइफ स्टक दिख रही है, लेकिन इन दोनों कार्ड का एक साथ आने का मतलब यही है कि अगर कुछ नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है आपके कनेक्शन में। आप काफ़ी टाइम से ये डेविल एनर्जी फील कर रहे थे अपने अराउंड, आपको लग रहा था कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो भी हैं आपको याद नहीं करते, आपसे बात नहीं करते, आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड नहीं है, बट स्टिल अब से ना आपको लगने लगेगा। ये आने वाले 7 दिनों में ना आप बहुत काफ़ी ना मिक्स एनर्जी आप तक पहुँचेगी। कभी बहुत अच्छा लगेगा, कभी थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन मुझे जो दिख रहा है ना यहाँ पे, तो अब ये डेवल एनर्जी पर हमारे जो एंजल की एनर्जी है ये भारी पड़ने वाली है। तो आने वाले 7 दिनों में आपकी लव लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट्स मुझे आते हुए दिख रहा है, अगर आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो। काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आने वाले हैं, कन्फ्यूज़न काफ़ी हद तक दूर होने वाली है, और ये कनेक्शन क्योंकि ना ऐसा है कि आप भूल ही नहीं पाओगे। वो बात अलग है, कभी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, वो तो होता ही रहेगा, लेकिन स्टिल ये कनेक्शन भूलने वाला दिख नहीं रहा है, और आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं अभी भी।
आपको अपने पेंटिकल्स पर काम करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली बार बार मैं यही बात बोल रही हूँ, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ नया अट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ नया होने के चांसेस हैं आपके लाइफ में। सॉरी गाइस, यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ ऐसी पावर है या ऐसे गिफ्ट्स हैं जो आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे आप इस एरिया में भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आने वाले 7 दिनों में आपकी मनी में इंक्रीमेंट होते हुए दिख रहा है, आपके लाइफस्टाइल में इंक्रीमेंट मतलब चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं, बेटर चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफस्टाइल में, लाइफ में अच्छा प्रॉपर बैलेंस बना पा रहे हो। थोड़ा भी नेगेटिव सोचो मत किसी भी चीज़ को लेकर, जितना हो सके आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करना, और आपका काम है मेहनत करना, ठीक है। रिजल्ट भगवान के हाथ में छोड़ दो और जितना हो सके अच्छे से काम करो। कन्फ्यूज़न कोई नहीं है अब आपको, ठीक है। आपको सारी क्लैरिटी है, जो कन्फ्यूज़न होनी थी वो हो गई, अब इसे ख़त्म करना है। आने वाले 7 दिनों में आपको पता है आपको क्या करना है, कहाँ आपको अपनी एनर्जी लगाने की ज़रूरत है, तो वहीं पर लगाओ, ठीक है। और कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी है कैसी भी, बिकॉज अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अपना आपका खुद का काम। अगर आप काम अच्छे से करते हैं तो आपकी लाइफ में बेटर चेंज आएगा, आप एक अनदर फेज़ में जाएंगे जो आपके लिए बहुत खूबसूरत होने वाला है, ठीक है। तो ये 7 दिन आपको सच में ही अपने पेंटिकल्स, अपने करियर, अपने वर्क, अपनी स्टडी को देने होंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या अबंडेंस आपके पास आ रहा है, लेट्स सी। वैसे तो गाइज आपकी लव लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, फ्रीडम मिलते हुए भी देख रही हूँ मैं आपको, बट स्टिल यहाँ से देख लेते हैं। इमोशनल विड्रॉल, एट ऑफ कप्स, विक्ट्री एंड सक्सेस, मटेरियल हार्वेस्ट, यस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फिर से आ गया है। तो यस ये ना विक्ट्री और ये फ्रीडम आपको मिलने वाला है। आने वाले 7 दिन आपके अच्छे जाएंगे, होप। सन कार्ड आ गया अब तो, यस गाइज अबंडेंस आ रही है आपके पास, सन कार्ड यहाँ पर है, होप। और देखो विक्ट्री भी साथ में है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस है, विक्ट्री है और रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड है। तो यस आपकी मेहनत रंग लाएगी, योर हार्डवर्क पे हो रहा है, आपका हार्डवर्क, योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। एंड वी हैव थर्ड आई चाक्रा, आपका थर्ड आई चाक्रा एक्टिव होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। हो सकता है आपका हार्ट चाक्रा एक्टिव है, आपका सोलर प्लेक्सस चाक्रा एक्टिव है, लेकिन आपका थर्ड आई चाक्रा एक्टिव नहीं था, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपका थर्ड आई चाक्रा भी एक्टिव हो जाए। अगर आपके चाक्रास एक्टिव होते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में और अच्छा ही करोगे, और आप अपने आप को और गहराई से समझ पाओगे, जान पाओगे, ठीक है। तो जितनी भी गलतियां हुई है मुझे, आप उनके लिए माफ़ी भी मांगते हुए दिख रहे हैं। अब ये हो सकता है कि आपने अपने जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है उनको आपने अभी 2-3 दिन में बहुत बुरा भला कह दिया, या फिर उनसे दूर जाने की कोशिश करी, तो मुझे लगता है आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से सॉरी बोलते हुए दिख रहे हैं मुझे, और रिलैक्स मुझे आप दिख रहे हैं, क्योंकि टेलीपैथिकली कनेक्शन बन चुका है अब आपका आपके पर्सन के साथ। इसी के साथ आपको अगर लव लाइफ से थोड़ा भी रिलीफ मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आज से ही अपने काम पर बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप तक गुड एनर्जी पहुँच रही है, यूनिवर्स अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं इन कार्ड्स को देखकर फील कर सकती हूँ कि आने वाले 7 दिन कितने पीसफुल जाने वाले हैं आपके। आपको बहुत गुड एनर्जी, इवन अभी से ही आपको फील हो रही है गुड एनर्जी, आपको लाइट फील हो रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है, और आपका मन कर रहा है कि यस मुझे अपना काम करना है, मैं जो पिक कर पा रही हूँ आपकी एनर्जी से, यस यही मुझे फील हो रहा है कि यस आपको अपना काम करना है। आप यू नो कहते हैं ना कि अगर डाइट थोड़ी सी भी कम हो रही है, कहते हैं कि खाना कम भी खा लिया, लेकिन इस वक्त ना एनर्जी और स्ट्रेंथ इतनी है कि कम खाना खा के भी डबल काम कर सकते हो, मतलब इतना एक एक्साइटमेंट आ चुका है आपके अंदर। तो ये खाने वाला एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि लोग ठीक से खाना खाए बिना काम नहीं करते, बट आपके अंदर इतनी एनर्जी है इस टाइम, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी से ही, और यही फीलिंग ना आपको काम में भी आपका मन लगेगा और आपको ये रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड भी दिलाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही एनर्जी के साथ आपको अपना काम करना है। और देख लेते हैं आपके लिए और क्या ये 7 दिन लेकर आ रहे हैं। मनी में इंक्रीमेंट लेकर आ रहे हैं आपकी, ये डोर टू वैल्यू, काफ़ी अबंडेंस आ रहा है आपके पास। मन से काम करोगे तो रिवॉर्ड भी अच्छा ही मिलेगा।
लेट्स सी मोर, और क्या आ रहा है आपके पास? स्ट्रैटेजी, देखो यूनिवर्स भी आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं ये अबंडेंस आप तक पहुंचाने के लिए। अब सबके लिए ये अबंडेंस मनी नहीं है, कुछ के लिए उनका पर्पस है, कुछ के लिए डेफिनेटली उनका कोई ड्रीम जॉब है, कुछ के लिए आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। कुछ के लिए तो सच में ही मनी में इंक्रीमेंट चाहिए, अप्रेजल चाहिए। तो अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आपके सामने बहुत कठिनाइयाँ आ रही है, मुश्किलें आ रही हैं, तो डोंट वरी, यूनिवर्स तो आपके साथ हैं, वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप तक ये चीज़ वो पहुंचा सके। यानी कि यूनिवर्स आपके साथ हैं, तो वो जो चीज़ आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, वहाँ यूनिवर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन विक्ट्री आपको मिलनी है गाइज, विक्ट्री आपको मिलनी है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस, बहुत सारे लोगों की ये दिक्कतें ख़त्म हो सकती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के लिए जॉब के ऑफर्स मुझे लग रहे हैं आ सकते हैं आने वाले 7 दिनों में, बिकॉज जो तिजोरी खाली हुई है वो फिर से भरेगी। ये जॉब हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है सैलरी में, और कुछ के लिए आप जो अपना ड्रीम लिए बैठे हैं वो सक्सेसफुल हो सकता है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सिर्फ अपना काम करना है मन लगा कर। आर्की एंजल गैब्रियल आपके साथ हैं, सो डोंट नीड टू वरी एंड वॉकिंग अवे। किसी भी तरह की नेगेटिविटी अगर आपके अराउंड है तो उससे बिल्कुल दूर जाना है आपको। देखो एंड में कौन सा कार्ड आया, विक्ट्री का। ये विक्ट्री आपके लिए लिखी हुई है, ये मिलनी है आपको विक्ट्री, ठीक है। तो इसलिए परेशान नहीं होना, जिस जो एनर्जी अभी आपको मिल रही है उसे मेंटेन रखने की कोशिश करनी है, ताकि आगे के दिन अच्छे जाएं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, बिल्कुल एकदम। कंक्लूजन आर विद इन रीच, बिल्कुल कंक्लूजन आ रहा है आपके पास। यू आर गुड इनफ, आप गुड इनफ हैं, आप अपने आप को कम समझिए ना, एंड जितना हो सके अच्छे से काम कीजिए, बिकॉज यू आर गुड इनफ, आप अचीव कर सकते हैं अपने टारगेट्स को। और यूनिवर्स भी तो हेल्प कर ही रहे हैं आपकी, ये भी एक चीज़ है यहाँ पर। ओके, एक कार्ड आ गया हमारे पास, महा अवतारा बाबा जी। सोल एक्सपेंशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। योर सबकॉन्शियस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। सोल एक्सपेंशन हो सकता है आने वाले 7 दिनों में कुछ लोगों के लिए। कुथुम्बी, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, आपको सारे आंसर्स पता हैं जो आप खोज रहे हैं, तो अपने जो इंट्यूशन आपको कह रही है उस पर ट्रस्ट करना सीखो। वी हैव फेथ, स्टे काम। देखो ये भी आपको काम रहने के लिए कह रहे हैं, एंड सी द लाइट इन द वर्ल्ड, लाइट में, वर्ल्ड में लाइट ढूंढने की कोशिश करो, रोशनी ढूंढने की कोशिश करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, और जो आपके साथ आपकी जर्नी में इन्वॉल्व हैं उन पर भी उन ट्रस्ट करने की कोशिश करो, और जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अल्मोरा आपसे कह रहे हैं द यूनिवर्स इज विद यू, डेफिनेटली गाइज यूनिवर्स आपके साथ हैं। वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव, तो जब यूनिवर्स साथ हैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, आप समझिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं और लव्ड हैं, ठीक है। दिस इज़ योर रीडिंग, आने वाले 7 दिन सच में बहुत अच्छे जाने वाले हैं, सो स्टे पॉजिटिव। दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।